इन्होंने धकेल दिया है कि आज नए साल में हमारे पास सिर्फ दो चॉइस रह गई या बड़ा मुश्किल फैसला है आईएमएफ के पास जाने के लिए या उससे भी मुश्किल फैसला है आईएमएफ के पास ना जाने के लिए ना जाएं अगर हम आईएमएफ के पास जाते हैं तो एक और महंगाई की लहर आने वाली है क्योंकि इन्होंने मैशत का जो जो सत्यानाश किया है ये कोई हमारे मुल्क की तारीख में ऐसा नहीं है बल्कि हम पढ़ते थे इकनॉमिक हिटमैन क्या करता है आके कि वो मुल्क को मकरूज कर देता है और फिर मुल्क के जो सारे असासे हैं वो फिर बाहर की कुवतों को आ, सस्ते दाम पर दिए जाते हैं ये एक बड़ी फेमस किताब है इकनॉमिक हिटमैन की तो ये भी वही अब सिचुएशन है कि तकरीबन ऐसे लगता है साजिश के तहत इन चोरों को लाया गया जिन्होंने आके मुल्क की मिशियत बिल्कुल नीचे गया और खुद अरबों रुपए ग्यारह सौ अरब रुपए के केसेस अपने माफ करवा लिए तो आज हम जिधर खड़े हैं मैं क्योंकि नया साल है पहला दिन है मैं आपको सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि मुश्किल आएंगी अब तैयारी कर ले मेरी कौम के महंगाई आने वाली है एक अभी जो महंगाई है इससे ज्यादा महंगाई आने वाली है क्योंकि हम हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है आई एम एफ के प्रोग्राम के बगैर अगर हम आईएमएफ का प्रोग्राम में नहीं जाते तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, जिससे और ज़्यादा मज़ीद मुश्किलात होंगी जो कि हम इस प्रोग्राम में जब जाएंगे, तो हमारे पास आएंगी